जय श्री कल्याण दोस्तों, आपका स्वागत है अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। जी दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका, विशेषक टेरो कार्ड रीडर, आपकी दोस्त एंड होस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक कांटा आपके जीवन में किस तरह से बीमारियों को ख़त्म कर देगा। ये जो कांटा है कोई साधारण चूल नहीं है दोस्तों, और ये सिर्फ वैशाख महीने की प्रदोष के दिन ही चढ़ाया और अर्पण किया जाता है। किस पर, किस तरह से और कैसे, पूरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। बहुत ही अचूक उपाय लेकर आपके सामने आई हूँ, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। करना क्या है दोस्तों, ये शूल है बिलपत्री के, 7 बिलपत्री के शूल आपको लेने हैं और एक लेना है धतूरा। वैशाख महीने की आने वाली प्रदोष में आपको 7 बिलपत्री के ये कांटे लेकर, एक धतूरा लेकर शिवलिंग पर प्रदोष काल में, प्रदोष के समय आपको अर्पण करके आना है, जिससे आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि प्रदोष का काल कहते किसको है, बहुतों को नहीं पता होगा। प्रदोष के दिन संध्या के तुरंत बाद का जो समय होता है उसे प्रदोष काल बोला जाता है। तो उस समय आपको ये उपाय करना है। इसमें ध्यान रखने वाली योग बात ये है दोस्तों, आपको धतूरे और कांटे के साथ बिलपत्री नहीं चढ़ाना है, यानी कि बिलपत्री नहीं चढ़ेगी। 7 कांटे और एक धतूरा भगवान को अर्पण करना है, जिससे आपको कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होगी। ये उपाय आप जरूर करिए। दूसरा दोस्तों, आपको लेना है बिल पत्रिका, बिल्ले का फ्रूट, जिसको बेल बोला जाता है, बेल फ्रूट बोला जाता है, बिल्ला बोला जाता है, वो आपको लेना है, शिवलिंग पर अर्पण करना है। और उसको आप तो या ग्रहण कर लीजिए उसके गुद्दे को, या उसका जूस पी लीजिए। उससे भी कोई भी बीमारी अगर होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, या फिर कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। ये उपाय भी सिर्फ वैशाख के महीने में ही करना है आपको। तीसरा उपाय क्या करना है दोस्तों, आपको बिलपत्री के जो फ्रूट है उसको सुखा दीजिए, बिल्ले को सुखा कर उसको जला कर उसकी राख तैयार कर दीजिए, और वैशाख महीने में किसी भी दिन शिवलिंग पर उस भस्म को अर्पण करके उठा लीजिए। उसके बाद घर ला करके कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो उसको वो आप धीरे धीरे खिलाते रहिए, तो वो उनकी बीमारी समाप्ति की ओर जाती रहेगी। और अगर कोई गंभीर बीमारी किसी को होने वाली भी होगी तो अगर उसका सेवन करते रहेंगे तो वो गंभीर बीमारी भी नहीं होगी। तो दोस्तों आपने देखा कि वैशाख महीना कितना चमत्कारी है रोगों को दूर करने के लिए। तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस महीने का फ़ायदा सब उठा पाएँ। ये बहुत ही पवित्र महीना है, दान पुण्य करते रहिए और इस तरह के उपाय आप करते रहिए, जिससे कि हारी बीमारी सब आपके घर से दूर रहे। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। धन्यवाद।